नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिटेशन। आज मैं आपको माँ काली की मेडिटेशन करना सिखाऊंगा। कैसे आप माँ काली की मेडिटेशन करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप खत्म कर सकते हैं। मैं इस मेडिटेशन को यूज करता हूँ और मैं यूज करने की सलाह भी देता हूँ। अब मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा ताकि आप काली माँ की जो है ध्यान कर सको, मेडिटेट कर सको, ताकि वो आपको दर्शन दें या फिर आपके जो काम जो डिले हो रहे हैं, जो आपके काम नहीं बनते उन वो आपके बनने लगे। और काली माँ की मेडिटेशन करने से मैं आपको बताऊं बहुत फायदा होता है। नेम, फेम और लाइफ में अलग अलग जो सक्सेस के गेट्स है ना, वे टू सक्सेस, वो खुलता है। अब आप जैसे कुछ लोगों को होती है फियर साइकोसिस, भय की प्रवृत्ति होती है बहुत लोगों के अंदर, और कुछ लोग होते हैं तंत्र मंत्र से परेशान होते हैं और रात को डरते हैं भूत प्रेत बाधाओं ऐसी प्रॉब्लम से वो परेशान रहते हैं, तो वो अपनी लाइफ में इसे ज़रूर अपनाए। कोई इतना बहुत बड़े और मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है, आप अपनी लाइफ में से यूज करिए। पहले तो हम क्या करेंगे आपको मैं पहले बताता हूँ। पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पहले आपको बैठना है। बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते तो उनके लिए वो ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, बट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर। जो आपका जो दिमाग है वो एक ही चीज के ऊपर रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, जैसे माँ काली के ऊपर ही फोकस्ड रहना चाहिए। सो, अभी आप पहले फर्स्ट प्रथम पूज्य गणेश जी की आप मनी मन में आप प्रार्थना कीजिए कि गणपति जी आइए, जो काम मैं सोच रहा हूँ, जो काम मैं करना चाह रहा हूँ उसमें आप मेरे को सक्सेस दीजिए। अब आप यहाँ पे इस साइड में एक यंत्र डिस्प्ले होगा, काली यंत्र, आप उसमें अपना ध्यान लगाएंगे, सेंटर में ध्यान लगाएंगे और मैं आपको मंत्र चैंट करूंगा 108 टाइम्स। काली माँ का मंत्र मैं चैंट करूंगा, बीज मंत्र जो है क्लीम, जो काली माँ का बीज मंत्र है, मैं उसे चैंट करूंगा। आप खुद भी ऐसे ही एक यंत्र अपने सामने रखिए और काली यंत्र को आप चैंट कीजिए, काली मंत्र को आप चैंट कीजिए और एकदम अपने मन को पहले स्टेबल करिए। जैसे अभी आप अपने मन को एकदम स्टेबल करिए, शांत करिए। जब आपका मन शांत हो जाए तब आप यहाँ पे जो एक यंत्र डिस्प्ले होगा काली माँ का, आप उसे देखिए, उसके आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से उस पर आप त्राटक कीजिए, मतलब आप उस पर देखिए, एक टक देखिए। अब हम काली जो माँ का महा माँ का बीज मंत्र है उसे अब हम चैंट करेंगे, काली माँ का बीज मंत्र। तो आप अपने पूरे शुद्ध विचारों से, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी बताना चाहूँगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। अगर आपके मन में गुस्सा है, क्रोध है, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना है, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, आपको उग्र काली माँ दिखेगी। अगर आपका मन शांत है, काइंडनेस है, प्लेजेंट है, तो आपको प्लेजेंट जो एकदम शांत काली माँ है उनके दर्शन भी होंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो अब आप यंत्र में आप अपने वो करिए, आप कंसंट्रेशन कीजिए यंत्र पे। अब मैं जो मंत्र चैंट करूंगा वो आप भी चैंट कर सकते हैं, तो प्लीज लिसन केयरफुली। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम,
ओम क्लीम 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 क्लीम ओम 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 क्लीम। तो अभी मैंने 108 टाइम्स काली माँ का बीज मंत्र चैंट किया है। तो आप जब भी मेडिटेशन करें, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं काली माँ का। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप पे एनर्जी फ्लो होने लगती है, मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूं तो इसलिए मेरा इसके साथ एक जो कहते हैं बैलेंस बन चुका है। तो आप देखेंगे व्हेन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है या हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, तो बॉडी गेट्स हीट, बॉडी गर्म होने लग जाती है। तो आप देखिए मेरे भी हल्का हल्का माथे में आपको दिख रहा होगा मेरे पसीना आना शुरू हो गया। आप देखेंगे हम जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हम जब शिवलिंग पे जल ऑफर करते हैं, क्यों? भगवान शिव योगी हैं, वो इतना मेडिटेट करते हैं, इतना एनर्जी का फ्लो उनके अंदर बढ़ जाता है कि वो इतना गर्म हो जाते हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है शिव जी से, तो वो गर्म हो जाते हैं। जब हम उनके ऊपर पानी डालते हैं तो उनको मतलब अच्छा लगता है, ठंडा पानी डालते हैं तो अच्छा लगता है, तो वो हमें खुश होके वो हमें वरदान देते हैं। इसलिए मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपको एनर्जीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको देखेंगे आपकी बॉडी अपने आप ही गर्म होनी शुरू हो जाएगी, हीट आपकी बॉडी से निकलने लगेगी और आपको भी ऐसे पसीना हो सकता है। बट फर्स्ट 108 बार अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऐसा चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट अगर आप अपनी रोजमर्रा की जीवन में अगर इस मेडिटेशन को यूज करते हैं डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो अगर आप काली यंत्र अगर आपने हाथ में लेके करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा, या सामने एकदम रख के आप उस पर फोकस करेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा। फर्स्ट टाइम आप काली यंत्र के साथ कीजिए क्योंकि आपको क्योंकि अपने अपना एक वो बनाने में, अपने कंसंट्रेशन बनाने में यंत्र से आपको बेनिफिट होगा। यंत्र एक मशीन है जो आपके आपकी जो आवाज है, आपकी जो आपके जो कहना चाहते हैं, इट्स लाइक मोबाइल, मोबाइल आप जो कहना चाहते हैं वो वहां तक पहुंचा देगा और वहां से आपको मैसेजेस भी यंत्र के थ्रू मिल सकते हैं। तो इसलिए आप यंत्र को लीजिए, मैं पहले प्रेफर करता हूँ यंत्र ही यूज कीजिए, देन बाद में जब आपकी तालमेल उस मेडिटेशन के साथ, उस मंत्र के साथ आपका जब तालमेल बैठ जाए तब आप कोई दूसरा
तो अब आप बिना यंत्र के भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, हर चीज के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। प्लीज आप किसी के बुरे के लिए आप कुछ भी नहीं ऐसा काम करेंगे। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा होगा। ये सृष्टि का नियम है। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में जरूर होगा। इसलिए किसी का बुरा मत सोचिए, हमेशा अपने फायदे के लिए करिए, किसी के बुरा के लिए भी मत कीजिए। इसलिए आपको ये मेडिटेशन कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मेरे को काली माँ की मेडिटेशन के लिए किसी एक ने कमेंट किया था तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इनसे इस मेडिटेशन से आपको फायदा होगा, आप अपनी लाइफ में इसे यूज करके देखिए और फिर उसके बाद आप रिव्यू दीजिएगा। इस वीडियो में आप रिव्यू दीजिएगा और मैं आपके रिव्यू का इंतजार करूंगा कि आपको कैसा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हम मेडिटेशन करते हैं तो एकदम से कुछ ऐसा डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर एकदम से एंटर कर जाती है, राइट। कभी कभी झटका लग जाता है, ऐसे हो जाते हैं या कुछ अलग एक्टिविटी टाइप वाइब्रेशन बॉडी में उत्पन्न होती है। तो आप घबराइए मत, मेडिटेशन को छोड़िए मत। जैसे आपने 108 करने का गोल अभी सोचा है कि मैं 108 बार मंत्र चैंट करूंगा, और आपको जैसे शिवरिंग होती है, लाइक एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर की जाती है यंत्र के द्वारा, जैसे ऊपर से एनर्जी आई यंत्र पे पड़ी और यंत्र से आप पे, तो इसलिए आप यंत्र को आप खूब मतलब अच्छी तरह से रखिए, क्योंकि यंत्र में भी एनर्जी है और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ये अपनी लाइफ में जरूर कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा तो प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा जो आपके साथ होता है। चाहे आपके साथ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी गुरु के गाइडेंस के बिना ये कुछ रॉन्ग ट्रैक भी पकड़ लेती है, बट राइट ट्रैक ही पकड़ेगी। 80% राइट ट्रैक पकड़ेगी, 20% हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि वो रॉन्ग ट्रैक पकड़ के गलत साइड चले जाए। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस मेडिटेशन के बारे में फुल नॉलेज लीजिए, ताकि इससे आपका भला हो बुरा ना हो। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ, नहीं क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी आपके काम की जानकारी। नमस्कार।